क्या कहना चाहोगे आप? मैं आप लोगों को सवाल पूछता हूँ, कौन सा दर्ज हुआ है, ठीक है, अगर दर्ज हुआ तो सेक्शन कौन सा आप लोग बताइए। सेक्शन जहाँ तक मैंने एफ आई आर का देखा सेक्शन 509 है, और जिस इंसान ने एफ आई आर किया हुआ है वो इंसान बोलता है कि गारंटी वो जेल में डाल के दिखाएगी या दिखाएगा। एक चैलेंज देता हूँ, 509 सेक्शन IPC के एफ आई आर में कौन जेल जाता है, प्लीज आप समझाइए मुझे। और सुनो, गौर से सुनो, ये लोग ने मेरे पे कंप्लेंट करी है, गौर से सुनो मेरे वकील साहब की जुबानी, बोलो सर। सेक्शन 509 IPC का जब एफ आई आर होता है वो एफ आई आर होता है बेलेबल, ये मैंने ये कानून 3 साल का वो बेलेबल है। पहली बात तो ये ऑफेंस सच में हुआ है नहीं हुआ अभी फिलहाल एफ आई आर है। पहले बात मैं कहना चाहती हूँ उसको, बगैर नाम लिए हम किसी का नाम नहीं लेते, सुन तेरे में दम है ना, राखी सावंत को जेल में डाल के दिखा, तेरी ये धाराओं पर डाल के दिखा जेल में। तो आप ये डायरेक्टली कह रहे थे ये स्टोरी मैंने ही ब्रेक की है, तेरे पास काम है क्या कोई? आपको पूछता हूँ अपने स्टोरी ब्रेक की क्यों, ऐसे लोगों की स्टोरी ब्रेक भी जाके आराम से सोया कर, और भी काम है दुनिया में, और भी प्रॉब्लम्स है लोगों की, वो कवर कर भाई। तो मालूम है 4 साल क्या कर रहे थे वो? मैं देश की जनता को पूछना चाह रही हूँ वकील साहब, 4 साल क्या कर रही थी और लॉ क्या है? सेक्शन 509 का मतलब होता है आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमन। आउटरेजिंग मॉडेस्टी मतलब एक तरीके से किसी के कैरेक्टर पे सवाल करना या किसी को किसी औरत के बारे में कुछ अपशब्द बात वगैरह करना, ये सेक्शन 509 बोलता है। अगर उन्होंने जिस किसी ने भी ये 509 का एफ आई आर किया हुआ है, क्या उस इंसान ने राखी का कैरेक्टर अच्छा से नहीं किया, क्या उन्होंने इनकी आउटरेज मॉडेस्टी नहीं की? जाके यूट्यूब में देखो इनके वीडियो, और बहुत जल्दी मेरा ये हैंडसम एडवोकेट है ना ब्रेकिंग न्यूज देगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने इतना हैंडसम एडवोकेट क्यों रखा है? क्योंकि मुझे सारे केस जीतने हैं। थाउजेंड टाइम इनका चरित्र 1000% है, बहुत अच्छा, और मेरा एडवोकेट दी बेस्ट है सर। तो यही 100 बात की एक बात है कि FIR करना ये सब चीजें जो है ठीक है, हर किसी के पास संविधान का राइट है, लेकिन आप FIR जब करते हो या कोई भी केस करते हो तो आपको भी देखना पड़ता है कि क्या आप खुद साइलेंट थे उनके अपोजिट पार्टी के बारे में, आप खुद उनके कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हो। अब